गुजराती थाली एज लंच। अभी हम पहुंच गए हैं सिंकेरिन बीच पर, तो यहाँ पे बाहर बहुत सारी चीज़ें मिलती है खाने के लिए। आप ले सकते फ्रूट सलेक है, सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स एंड बहुत सारी। पीछे बहुत ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है बीच का। बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छा एटमोसफियर है। उतने यहाँ पे लोग भी नहीं है जितने घंटे की हमें दिखाई दे रही थी बाहर। बेसिकली टू स्ट्रक्चर्स है। आप जब आगे जाएंगे तो ऊपर चढ़ के जो जाएंगे और फोर्ट जैसा है वहाँ से आप व्यू ले सकते हैं बीच में, और यहाँ से बीच में नीचे उतर कर जाएंगे तो वहाँ पे बीच है। तो ये सिंकेरिन बीच पर भी ये बीच बहुत शांत है। यहाँ पर लोग उतने नहीं, बिल्कुल कम लोग हैं, तो अच्छा है। और यहाँ पे भी एक्टिविटीज़ हो रही है लेकिन उतनी नहीं हो रही है जितनी बांका बीच और उधर हो रही थी। तो यहाँ पे पैरासेलिंग हो रहा है या और बाकी बोट है, मोटर बोट है वो सब, लेकिन यहाँ पे वो सब नहीं है जो बीच साइड बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह थे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा और एक नेचुरल फील आता है। सो बेसिकली जो मैंने पहले जो फोर्ट दिखाया बहुत ही बड़ा था वो अपर फोर्ट ऑफ अगवाड़ा था, और ये जो है वो लोअर फोर्ट ऑफ अगवाड़ा है। यहाँ पे पूरा डिटेल्स लिखा है तो जो सामने दिख रहा है पीछे। यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था जब स्वतंत्र सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे गोवा के, उस टाइम पे पोर्टुगीज लोग उन लोगों को कैद करके इस लोअर फोर्ट अगवाड़ा में उन्हें रखते थे। सो ये लोअर फोर्ट अगवाड़ा है जो सामने दिख रहा है। तो अभी हम ये जो चल के जा रहे हैं वो जा रहे हैं लोअर फोर्ट ऑफ अगवाड़ा। यहीं से दिखेगा वो आपको पूरा, आपके दिखाते हैं। स्टेप्स नीचे उतरने के लिए, उसके बाद अब ऊपर ऊपर जाएंगे। पूरी रिम जैसा है जहाँ पर खड़े रह के आप पूरे बीच का व्यू देख सकते हैं और
फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड जो पीछे पूरा ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, रिसोर्ट है, ताज का रिसोर्ट है, बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है, पूरा दिखता है यहाँ से पीछे जो दिखता है, ये पूरा जो बीच साइड रिसोर्ट है ताज का, वो पहले जो मैंने आपको बीच दिखाया राइट साइड का सर्कल के राइट साइड का, अभी मैं इस सर्कल के लेफ्ट साइड में हूँ, यहाँ से भी बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है बीच का। दोपहर के 3:30 है लेकिन अभी बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, या इट्स वेरी गुड एटमोसफियर, बहुत ही अच्छा बीच है। तो अभी हम सिंगवेर इन बीच के पास में जो लोअर फोर्ट अखाड़ा है वहाँ पर, यहाँ से पूरा ये सिंगवेर इन बीच आपको चलता है, उसके ही कंटिन्यूएशन में है गंगेर इन बीच सामने की ओर है, तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग जाएंगे शाम में सिंगवेर इन बीच। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम नीचे उतर चुके हैं सेंक्चुअरी बीच पे, ये आप देख रहे हैं पूरा बीच ब्यूटीफुल एंड क्लीन है। यहाँ पर भी बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, जैसे कि पैरा सेलिंग है, लग्जरी बोट, बनाना बोट एंड यू नो जेट स्की। पानी बहुत ठंडा है, अच्छी बात यह है कि दोपहर के टाइम पर भी यहाँ पे बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है, बहुत ही ठंडा और अच्छा पवन चल रहा है। बहुत ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा।
कल जैसे कैलंगुट बीच पर हमने सनसेट एंजॉय किया था, उसी तरह आज हम ये कैंडोलिंग बीच पर सनसेट देखेंगे अब के 6:30 बजे, और बहुत ही अच्छा सनसेट का दृश्य दिख रहा है यहाँ से। Like, share, subscribe to my channel, the Dynamic Maker. See you soon. Bye bye.